गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान स्थगित, बॉर्डर से वापस भेजे जाएंगे यात्री, व्यापारी हुए फिर निराश। हरिद्वार में 20-21 जून को होने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के गंगा स्नान को प्रशासन ने सांकेतिक कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से बात करके यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए 19 जून की शाम से जिले के बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और गंगा स्नान के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड कर्फ्यू की SOP के अनुसार 72 घंटों के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोग हरिद्वार आ सकेंगे। हालांकि हर की पौड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। हरिद्वार के SSP ने बताया कि सभी स्थानीय लोगों से अपने आसपास के गंगा घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है। बारे में कल गंगा सभा का पदाधिकारीगण के साथ मीटिंग हुआ है, इसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि कोरोना महामारी का दृष्टि का जो है इसका सांकेतिक तौर पे करने के लिए उसका जो है उन्होंने सहमत व्यक्त कर दिया है। और अभी ये गंगा स्नान जो है और इस एकादशी को बनाए और बाहरी राज्य का जो शरणार्थी उनके लिए प्रतिबंधित रहेगा, बॉर्डर हम सील करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो है काफ़ी भीड़ भाड़ या मिक्सिंग ना हो, ताकि जो है हम कोरोना का जो नियम है लॉकडाउन का नियम है उसका पालन कर सकें। नहीं, एक्चुअली स्नान का पर्पज़ में आएंगे, जैसा अभी RT-PCR का टेस्ट रिपोर्ट और आपका जो है रजिस्ट्रेशन, ये तो अनावर्य है उत्तराखंड अंदर आने के लिए, लेकिन वो बॉर्डर सील रखेंगे। स्नान आरती स्नान का पर्पज़ के लिए उनके लिए तो हम प्रतिबंधित करके रखेंगे इसमें।